आशीष सर, 2022 खत्म हो रहा है, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, एक बात हमेशा समझिएगा कि आप देख ही रहे हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों के लिए तो मेहनत के अलावा और कुछ है नहीं है, ठीक है। साल दर साल बदलेगा, बट आपकी मेहनत नहीं बदलनी चाहिए। आपको अपनी मेहनत जो 2022 में की थी उससे बेहतर 23 में करनी है, और जो सपना है कि यहाँ सरकारी नौकरी पाने का, उसको निश्चित आपको पूरा करना है। बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर। अतुल सर, 2022 खत्म हो रहा है, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, 2023 में हम यही कहेंगे कि दोस्तों, इस बार में कसम खा के पढ़ना है। रोज तो आप ऐसे ही हर साल पढ़ते हो, फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होता है नहीं होता है राम जाने, लेकिन इस बार राम नहीं जानेंगे, राम भी जानेंगे और उसके साथ आप भी जानेंगे कि आपको इस बार कसम खा के सिलेक्शन लेना है तो लेना है। रूपा मैम, 2022 खत्म हो रहा है, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? नया साल है, नई एनर्जी है, और इस पॉजिटिव अप्रोच और एक पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें, एक सही स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ ऐसा जो आपके लिए काम करे, किसी को फॉलो ना करें, आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और इस साल जरूर सक्सेसफुल बने। बिल्कुल महेंद्र सर, 2022 खत्म हो रहा है जी, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या गोल है या क्या बात है, जरा बच्चों से शेयर करिए। सर, मैं ये कहूंगा 2022 में बच्चों से जो गलतियां हुई हैं, जिनकी वजह से जो कमियां रही, जिनकी वजह से उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया या वो फाइनल सिलेक्ट नहीं हो पाए गवर्नमेंट जॉब में, तो अब उन गलतियों को सुधारा जाए, उन पे काम किया जाए और 2023 में डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लेके अपना सपना जो है उसको पूरा किया जाए। बहुत बढ़िया, ये तो बच्चे इस बात को जरूर मानेंगे। अब चलते हैं किसी और सर के पास। 2022 खत्म हो रहा है, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? जो कमियां रही है उसको पूरा करें, उस पर काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी का और अपने ऊपर काम करने का कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। लाख लोग कहते रहेंगे कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन मुझे लगता है जो कंसिस्टेंट है और जो अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है सब कुछ, बस इसको याद रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मीनाक्षी मैम, 2022 खत्म होने को है, 2023 में बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? सर, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, सभी में कमियां होती है, तो इस बार मेरा खुद के लिए भी यही रेजोल्यूशन है कि मैं अपनी एक कमी को आइडेंटिफाई करके और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी, सही करने की कोशिश करूंगी, और यही संदेश मेरा बच्चों के लिए भी है। अपने लिए क्या सोच के रखा है कमेंट बताइए, और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।